इसके बाद हम बढ़ते हैं अध्याय चार। अध्याय एक हमने कंप्लीट कर लिया, दो कंप्लीट कर लिया, तीन। अब अध्याय चार जो एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका वर्ष 2023-24 के लिए जो आपको जारी की गई है, उसके लिए आपका अध्याय जो चार दिया गया है, थ्री आवर सेवियर्स। ओके, तो इसका हम आंसर भी इसके आंसर भी चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि वन हु कट्स द बोर्ड इज कॉल्ड। तो वन हु, कोई एक जो काटता है लकड़ी को, उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम ए वुड कटर बोलते हैं, लकड़हारा हिंदी में बोलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन तो देखिए, द नेम ऑफ द विलेज इन द लेसन ए। तो जो आपका लेसन है वुड कटर, उसमें जो ट्री सेवियर है, उसमें जो किस गांव को बताया गया है, तो गोपेश्वर गांव है, उसको यहाँ पर बताया गया है। यदि आप चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन तीन देखिए कि द फॉरेस्ट सप्लाई, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आल द एबव। बच्चों यहाँ पर आल द एबव पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि फ्यूल भी हमें फ्रूट तो मिलते ही मिलते हैं, फोडर भी मिलता है और फ्यूल भी मिल जाता है। ओके, चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन चार। हु प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ उत्तराखंड, द फॉरेस्ट ऑफ द हिमालय, है ना। तो जो हिमालय के जंगल हैं वो उत्तराखंड के लोगों के लिए इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं उनकी लाइफ जीवन में के लिए। ओके, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन पाँच। नेम द मूवमेंट मेंशन्ड इन द लेसन टू प्रोटेक्ट द ट्री। तो हमें बताना है कौन सा जो मूवमेंट यानी आंदोलन मेंशन है इस चैप्टर में, जिसमें ट्रीज को प्रोटेक्ट यानी कि उनको संरक्षण के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर चिपको और हग द ट्री, तो ये आपका यहाँ पर दो मूवमेंट हैं। इसे चिपको बोलें या पर आगे बात एक ही है, ठीक है। चिपको आंदोलन आपने सुना होगा, सुंदरलाल बहुगुणा, और इसमें अमृता देवी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन सिक्स। मेक ए कंपाउंड वर्ड विद द वर्ड्स एक्स एंड मैन। तो हम दोनों को कंपाउंड करेंगे यानी कि ऐड करेंगे, तो एक्स और मैन, तो क्या हो जाएगा? एक्स मैन हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सात देखते हैं। क्वेश्चन सात है, व्हाट डू ट्रीज गिव अस राइड वन और टू थिंग्स ओनली। तो पहला लिखेंगे फ्रूट और दूसरा लिखेंगे शैडो, यानी कि ट्रीज हमें क्या क्या देती हैं। तो हमें फ्रूट यानी फल देती हैं और शैडो यानी कि छाया देती हैं। वन और टू थिंग्स लिखना है, तो इसलिए हमने दो ही लिखी हैं। क्वेश्चन आठ है, क्वेश्चन आठ का आंसर आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन आठ में क्या पूछा गया है कि व्हेन द एक्स मैन रिफ्यूज टू गो बैक, व्हाट डिड द विलेजर्स डू टू सेव द ट्रीज। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, द पीपल डिसाइडेड दैट दे वुड नॉट लेट द एक्सेस टच द ट्रीज नो मैटर व्हाट हैपेंड। ओके, चलिए क्वेश्चन नाइन देखिए। क्वेश्चन नाइन है, व्हाट डिड द विलेजर रिक्वेस्ट द एक्स मैन। इसका आंसर लिखेंगे, नॉट टू कट ट्रीज द विलेजर्स रिक्वेस्ट द एक्स मैन। क्वेश्चन नाइन के बाद क्वेश्चन दस देखिए, नेम द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज बाय द विलेजर्स टू रिग्नेट द डिगार्डेड फॉरेस्ट। तो दसौली ग्राम स्वराज मंडल द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज बाय द विलेजर्स टू सेव द फॉरेस्ट, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन ग्यारह। क्वेश्चन ग्यारह का आपको यहाँ से आंसर देखने को कुछ इस तरीके से मिलने वाला है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि राइट द मैसेज स्लोगन राइट बाय द पीपल इन चिपको मूवमेंट। तो यहाँ पर आपको इसका ये लिख देना है, ठीक है, ये स्लोगन या मैसेज लिख देना है, ये दिया गया था। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 12 की ओर। यहाँ से आपके लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चंस रहते हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो पहला जो क्वेश्चन 12 है, राइट ए शॉर्ट नोट चिपको मूवमेंट। तो हमें शॉर्ट नोट बनाना है चिपको आंदोलन पर। तो चलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस तरीके से कि द चिपको मूवमेंट आर चिपको आंदोलन वाज ए फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट इन इंडिया। द मूवमेंट ऑर्गेनाइजेटेड इन 1973 एट द हिमालय रीजन ऑफ उत्तराखंड। ओके, जो हिमालय के क्षेत्र के उत्तराखंड राज्य में हुआ था। एंड बेंट ऑन द बिकम ए रिलाइंग पॉइंट फॉर मैनी फ्यूचर एनवायरमेंटल मूवमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, इस तरीके से इसका तो लिखेंगे। पर क्वेश्चन 13 आपको यहाँ पर ये पिक्चर देखने को मिल रही है, इसमें से फिर आपको क्या लिखना है, आंसर द क्वेश्चन गिवन बोलो, और ये नीचे जो क्वेश्चन दिए गए इनके आंसर करना है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मैन विद द एक्स डूइंग।
तो जो मैन है वो एक्स के साथ क्या कर रहा है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे द मैन इज कटिंग ट्रीज विद द एक्स। तो जो मैन है वो कटिंग कर रहा है यानी काट रहा है ट्रीज यानी पेड़ों को विद द एक्स यानी एक्स के साथ। इसके बाद देखिए इज कटिंग ट्रीज गुड फॉर एनवायरमेंटल, आपको बताना है क्या पेड़ों को काटना जो एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण के लिए सही है या गलत। तो कटिंग ट्रीज इज नॉट गुड, हम बोलेंगे कि कटिंग ट्रीज इज नॉट गुड, पेड़ों के काटना सही नहीं है फॉर एनवायरमेंटल। ठीक है, चलिए अगला देखिए इसी का तीसरा है राइट टू सेंटेंस ऑफ बेनिफिट्स ऑफ ट्रीज। तो हमें टू सेंटेंस लिखना है ट्रीज के, तो यहाँ पर पहला लिखेंगे ट्रीज इज गुड फॉर एनवायरमेंट, दूसरा लिखेंगे ट्रीज गिव अस फूडर फ्यूल और फ्रूट्स। चलिए